हे गाइस तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो मैं बात करने वाला हूं आपसे कलर ग्रेडिंग के बारे में। अब ये जो कलर ग्रेडिंग है ये थोड़ा सा मिड एडवांस लेवल ही कलर ग्रेडिंग है, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप अपने फुटेज की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो अपने फोन पे, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो अपने पीसी पे। तो ये सब कुछ जानेंगे, बट उससे पहले लेट्स गो द इंट्रो। तो अगर आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वो जो लाल वाला बटन है ना उसको प्रेस कर देना है, एंड दैट्स इट, आपका काम खत्म। अब जो भी फोटोग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मेरे जो भी ट्यूटोरियल्स हैं वो सब आपके द्वार पे प्रकट हो जाएंगे। सो अब बात करते हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में, बट उससे पहले ये जानते हैं कि कलर ग्रेडिंग इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो जो आपके कैमरे की फुटेज होती है उसकी कलर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही एवरेज किस्म की होती है, या फिर कई बार हमको फ्लैट प्रोफाइल में शूट करना पड़ता है जिसमें हमको अलग से उसमें कलर को डालना पड़ता है, अलग से उसमें कलर की एनहांसमेंट करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपको कलर ग्रेडिंग आनी चाहिए। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपने जो आपकी फुटेज है उसको बाकी लोग से थोड़ी डिफरेंट करनी है, थोड़ा अलग करना है, तो उस कंडीशन में आपको कलर ग्रेडिंग आनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फ्लैट फुटेज क्या है या फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल क्या है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अब आप पूछोगे उसका लिंक इधर है भिड़ू, तो उसका लिंक इधर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। सो आज की जो कलर ग्रेडिंग है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, बट इसके लिए आपको कोई भी हाई फाई सेटअप की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप या पीसी एंड एक अमेजिंग का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फिल्मोरा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक मीडियम लेवल का सॉफ्टवेयर है, एडवांस लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे इसका यूज नहीं किया जाता है, बट बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सीखते हैं इस कलर ग्रेडिंग को। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसकी एडिटिंग करनी है। तो फिलहाल जो है ये टाइमलाइन ओपन है, इसमें मैंने अपने फुटेज को ले लिया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि मैं आपको यहाँ पे फुल इन डेप्थ नहीं बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसमें कट पेस्ट करना है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप कैसे इसकी एडिटिंग वगैरह नॉर्मल एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे कि जब नॉर्मल एडिटिंग करने के बाद आपको कैसे इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है। तो फिलहाल जैसे कि ये मेरा नॉर्मल सब एडिटिंग हो चुकी है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करनी है। तो वो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस फुटेज पे सपोज आपको क्लिक करना है, ऐसे कोई फुटेज पे क्लिक करना है, एंड देन फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो फिर आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करो एंड कलर करेक्शन में ओपन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कलर करेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पे ये है, या फिर आपको शॉर्टकट की वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी। सो नाउ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो जब ये उसको आप क्लिक करके ओपन करोगे तो आपका एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस तरह का बॉक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से आना आपके सेकंड एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसकी अब नॉर्मल हम क्या करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आपके कलर इन्हेंसमेंट का। तो मैं यहाँ पे कलर इन्हेंसमेंट नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कलर मैनिपुलेशन वगैरह या कलर के चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या सबसे पहले क्या करता हूँ, जो आप वाइट बैलेंस है उसको चेंज करता हूँ। वाइट बैलेंस क्या करता है कि जो आपकी फुटेज है उसमें आपको किस तरह का टोन चाहिए सेट करने का काम करता है। जैसे कि आप फोटोग्राफी में एडिटिंग करते हो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही सिस्टम है। तो जैसे कि मुझे ये क्या चाहिए, ये मॉर्निंग का सनलाइट का सीन है, तो मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा ये और वार्म रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये थोड़ी सी फ्लैट है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट नहीं है जिस तरह का जो एक्चुअल में सीन था। तो मैं उसको थोड़ा सा रिप्लिकेट करने के लिए इसकी जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा बूस्ट करूँगा, एंड अराउंड इतना ठीक है, मुझे थोड़ा सा वो टेम्परेचर से वो जो होता है सन ग्लो दिख रहा है इसमें। एंड यहाँ से नीचे जो इसका टिंट है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसे चाहता हूँ कि जो टिंट है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का रहे, तो उस हिसाब से जो टिंट है वो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि राइट साइड में बढ़े। तो ये आई थिंक इतना ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका एक नॉर्मल वाइट बैलेंस का आपने क्या किया, इसकी एडिटिंग वगैरह कर ली है। अब आपको यहाँ से सेकंड आना है आपके 3D LUTs पे। अब LUTs क्या होते हैं, LUTs एक्चुअली यहाँ पे आपके प्री इंस्टॉल प्रीसेट्स ये स्टाइल होते हैं जिसको आप अप्लाई करके अपने फुटेज में एक बेसिक आप कलर के टोन को दे सकते हो, एंड फिर उसमें आप हल्के फुल्के चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहले से इनबिल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 007 सीरीज, ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स, या फिर आप देख सकते हो कि और भी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। मतलब ये क्या है, ये नॉर्मल इसके प्रीसेट्स वगैरह हैं कि कलर के टोन है जिस मूवी में चले थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको टोन है। वॉकिंग डेड आई थिंक मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, ये इस सीन के हिसाब से परफेक्ट मैच कर रहा है, तो इसको आप सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ वॉकिंग डेड को ले लेता हूँ, एंड यहाँ आप चाहो तो इनमें से कोई भी नहीं, आप इसको नन सेलेक्ट करके बाकी अपने हिसाब से कलर की एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे वॉकिंग डेड को ले लेता हूँ, एंड इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से आते हैं कलर्स में। अब कलर्स में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको कलर्स की उसमें बता रहा है कि आप कितना इसको इन्हेंस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बाकी किसी टूल को नहीं छेड़ूंगा,
सिर्फ वाइब्रेंस को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। वाइब्रेंस क्या करता है, एक्चुअली जो कलर आपके म्यूटेड टाइप के होते हैं, जिसमें से कि आपके सीन में बहुत से कलर्स होते हैं, बहुत से कलर इनहेंस, अगर सेचुरेशन आप बूस्ट करोगे तो क्या होगा कि उसके कंडीशन में आपकी जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे होता है ना एक साथ इंक्रीज होते हैं। बट वाइब्रेशन क्या करता है कि वो कलर्स जो कि बहुत कम सेचुरेट हो रहे हैं उनको बूस्ट करने का काम करता है। तो सिर्फ वाइब्रेशन का मैं हेल्प यहाँ पर उन्हीं को बूस्ट करने के लिए ले रहा हूँ। सेचुरेशन मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसके ऑपोजिट चल के इसको डाउन कर दूँगा कि जिससे कि जो मेरा सीन है वो बैलेंस हो जाए एंड जो बाकी जो जैसे मैंने कहा कि थोड़े से सेचुरेटेड कलर थे वो थोड़े से बूस्ट हो चुके हैं। तो ये हो गया यहाँ पे काम एंड दैट्स इट। अब यहाँ से आप आएंगे लाइटिंग में। लाइटिंग में क्या कर सकते हो, आप हाईलाइट को डाउन या शेडो को बूस्ट कर सकते हो सीन के हिसाब से। मुझे ये लगता है सीन परफेक्ट है, मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर मैं हल्का सा हाईलाइट को डाउन करना चाहूँ, आई थिंक इतना ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। वाइट्स भी ठीक हैं मुझे लगता है, थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं इसको एंड ब्लैक्स भी ओके हैं। सो नाउ ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो एक दूसरा पार्ट होता है आपका है HSL का। HSL क्या करता है कि जैसे कि नॉर्मल मैंने आपसे कहा कि लाइटर वगैरह में अगर आप एडिटिंग करते हो तो वहाँ पे जैसे होता है ना पर्टिकुलर कुछ कलर के उसके ह्यू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनस को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पे ये काम आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये थोड़ा सा आपके साथ मिड लेवल का कलर ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे कि आपको मोबाइल में आपको देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ह्यू को रहने देंगे या कुछ देखते हैं चेंज कर सकते हैं। आई गेस ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ऑरेंज के सेक्शन को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये ऑरेंजिश टाइप का लगे। तो मैं इसकी क्या करूँगा, थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा ही इसको चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं। एंड लाइक इतना या ठीक है, मुझे लगता है ये बेसिक इतना ठीक है, कुछ खास में करना चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्रीन में थोड़ा सा इसको येलो वाला टोन दे देंगे, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसमें चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत हल्के हल्के चेंज कर रहा हूँ। एंड इसके बाद जो लास्ट है आपका है विनेटिंग का इफेक्ट। ये अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से आप करना चाहो तो इसको अगर आप इसे लेफ्ट लोगे तो आपकी जो विनेट के इफेक्ट है वो आ जाएंगे। मुझे लगता है सीन में मुझे वीडियो में मुझे विनेटिंग इफेक्ट पसंद नहीं है। आई मीन फोटोग्राफी मुझे ठीक लगता है बट वीडियो में मुझे नहीं, मुझे पसंद नहीं है। सो यहाँ इसको हम टच नहीं करेंगे। नाउ बाबर तुम क्यों खुल जा रहे हो यार, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब देखा आपने, मैंने सिर्फ कुछ कुछ हल्के हल्के चेंजेस किए हैं, उस हिसाब से सीन में बहुत चेंजेस आ गया है। अब चेंजेस कितना आ गया है, क्या आ गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि बिफोर एंड आफ्टर वाला, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में आपको आई बटन देखने को मिलेगा। इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको बिफोर आपकी पिक्चर दिखाई देगी, एंड उसको आप छोड़ोगे तो आपको आफ्टर दिखाई देगी। एंड चाहो तो आप यहाँ साइड बाई साइड कंपेरिजन भी देख सकते हो, जैसे कि आप देख लो। फिलहाल तो ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट फिलहाल आप यहाँ इसके थ्रू देख सकते हो जो आपको दिखा देगा कि ओरिजिनल से आपने कितना चेंजेस कर लिया है इसमें। तो ये हो गया, दैट्स इट। आपको बस यहाँ से आपको सीधा, या तो आप चाहो तो इसको अगर एक प्रीसेट बनाना चाहते हो प्रीसेट बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको ओके कर सकते हो। तो मैं चाहो इसको अगर प्रीसेट बना लूँ ताकि ये मेरे नेक्स्ट क्लिप में हेल्प कर दे, तो यहाँ पर प्रीसेट का आप मैं नाम दे सकता हूँ नितिन, इट्स नितिन ही डाल देते हैं इसका, एंड ओके कर देते हैं इसको। अब ये क्या, ये प्रीसेट यहाँ पर सेट हो चुका है, यहाँ से हम ओके करते हैं इसको। नाउ अब जैसे मुझे अगर कोई नेक्स्ट फुटेज पे वापस इस प्रीसेट को डालना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस फुटेज को सेलेक्ट करना है, एंड इसको मैं ट्रैकर यहाँ लेता हूँ। एंड यहाँ से वापस से अगर इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे कलर करेक्शन में हम आ सकते हैं, एंड ये अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि हम मैंने आपसे कहा था लास्ट में मैंने प्रीसेट सेट किया था, तो प्रीसेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड कस्टम पे आएंगे। एंड यहाँ पे देखिए पहले से कोई प्रीसेट पड़ा हुआ, जैसे कि ये इट्स नितिन वाला हमने बनाया था अभी, तो इसको हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। एंड जैसे कि इसको सेलेक्ट करते ही आप देखोगे ये जो प्रीसेट है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, मीन्स आपको वापस से वो सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वन क्लिक से आपकी जो फुटेज है वो ठीक हो जाएगी। तो आई होप हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना बनता है, फोटोग्राफी टिप टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इससे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय पीस। और इसी के साथ हमारी बैटरी ख़त्म होती है, हमारी नहीं रे बाबा, कैमरे की बैटरी।